माय चैनल मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर उनका घमंड कब टूटेगा। यानी आपके पर्सन अगर एटीट्यूड में है, ईगो में है, घमंड है उन्हें और उस वजह से वो एक्शन नहीं लेते हैं कोई, तो आज हम ये चेक करेंगे क्या उनका घमंड टूटेगा और टूटेगा तो कब टूटेगा। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे मैच ना करें। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा। ये रीडिंग टाइमलेस भी रहेगी व्यूअर्स। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचते हैं या ये वीडियो आप तक पहुंचता है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ये सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी साइन हो और चाहे आपकी कोई भी सिचुएशन हो। आप सिंगल हैं, कमिटेड हैं, मैरिड हैं या आप डिवोर्स्ड हैं, तो भी ये सिचुएशन आपसे मैच कर सकती है। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं या क्रश की सिचुएशन में हैं, स्टिल ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके, तो यहाँ हम यही चेक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं व्यूअर्स, देन आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ। और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी इंट्यूटिव मैसेज या चैनल मैसेज मिस कर पाएँ, इसीलिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और जो भी मेरा वीडियो आएगा उसको बिल्कुल मिस ना करें। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा क्लेंस कर लेती हूँ एनर्जी। अभी मैंने, वैसे मैं अक्सर वीडियो से पहले ही कर लेती हूँ, लेकिन अभी नहीं किया था तो मैं अभी कर लेती हूँ। यहाँ धूप है मेरे पास। तो चलिए व्यूअर्स, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम कि उनका घमंड आखिर कब टूटेगा। ओके, तो आपके पर्सन का घमंड कब टूटेगा ये हम चेक करते हैं। किसी को फीवर आया है क्या? ऐसा मुझे लगा इंट्यूटिवली, आप में से किसी को फीवर आया है आज या कल में। फीवर हो सकता है आपके पर्सन को आया हो, या हो सकता है आपको आया हो, या आपकी फैमिली में किसी को आया हो। ओके, इंट्यूटिवली मुझे ऐसा लगा है। चलिए, काफी शफल कर लिया है मैंने, अब कार्ड लेते हैं कि आखिर आपके पर्सन का घमंड कब टूटेगा। एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड आया है व्यूअर्स। दो कार्ड्स पॉप आउट हुए गाइस, हम दो नहीं लेंगे। आखिर उनका घमंड कब टूटेगा? ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स देख सकते हैं आप।
आखिर उनका घमंड, प्लीज यूनिवर्स टेल अस ओके। क्लैरिफाई करते हैं व्यूवर्स, पहले एट ऑफ पेंटिकल्स को, फर्स्ट क्लैरिफाई करते हैं हम एट ऑफ पेंटिकल्स को। डेथ ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं व्यूअर्स। The Hermit, Seven of Pentacles, Energy of Deck है, Six of Swords, तो आई होप व्यूअर्स आपको यह कार्ड्स विजिबल हैं। तो आपके पर्सन का घमंड कब टूटेगा? देखिए व्यूअर्स, यहाँ ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि उनको घमंड है, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ किंग का कार्ड आया है, ये चीज़ शो कर रहा है कि उनको यू नो किंग वाला ईगो है। लेकिन ये उनकी रियल पर्सनालिटी नहीं है व्यूअर्स। आपके पर्सन की रियल पर्सनालिटी ईगोइस्टिक और घमंडी है नहीं, ये प्रिटेंड करते हैं। वो ऐसा मास्क पहन के रखा है उन्होंने कि सब उन्हें थोड़ा एटीट्यूड वाला समझें, सब उन्हें थोड़ा ईगोइस्टिक समझें, इसीलिए उन्होंने ये थोड़ा मास्क पहन के रखा है घमंडी होने का, ईगोइस्टिक होने का। लेकिन उनकी रियल पर्सनालिटी ऐसी है नहीं। रियलिटी तो व्यूअर्स ये है कि वो बहुत कैलकुलेटिव हैं, और कभी कभी कोई स्टेप लेने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले, या अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो इतना कैलकुलेशन करते हैं, अपने दिमाग में इतना ज़्यादा सोचते समझते हैं कि वो एक्शन लेते ही नहीं हैं। वो सोचते हैं छोड़ो, कुछ कहना ही बेकार है। तो हो सकता है इस चीज़ की वजह से सबको लगता हो कि इनमें घमंड है, ये इसीलिए कुछ करते नहीं हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन वो घमंड नहीं है, घमंड इनकी रियल पर्सनालिटी नहीं है। हाँ, ये ऐसा शो ज़रूर करते होंगे कि इनमें एटीट्यूड है, क्योंकि अपने इमोशंस को छुपाने के लिए अपने एटीट्यूड को ढाल बना लेते हैं। आप समझ रहे हैं, कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि हमारी आँखों में या हमारे दिल में जो फीलिंग्स हैं वो सामने वाले को एज इट इज़ पता ना चल जाएँ, इसीलिए हम थोड़ा ईगो दिखाने की कोशिश करते हैं। ईगो नहीं तो हम थोड़ा एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये है। अब जो भी इनको एटीट्यूड है, एटीट्यूड तो है इन्हें, ये बात तो है, लेकिन रियल पर्सनालिटी वो नहीं है। ओके, अब ये एटीट्यूड दिखाना छोड़ेंगे कब, ये कब ख़त्म होगा, अपना घमंड कब तोड़ेंगे वो, इस सिचुएशन पर ज़रा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो व्यूअर्स ये कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी टू टाइप्स ऑफ फेसेस रखे हुए हैं अपने अंदर। दो तरीके की सोच उनके अंदर है अभी, और दो तरीके के फेसेस हैं उनके। दो तरीके के मतलब कि वो दिखा कुछ रहे हैं और वो रियल में कुछ हैं, जिस चीज़ को मैंने अभी जस्ट बोला कि उनकी रियल पर्सनालिटी कुछ और है लेकिन वो शो कुछ और करते हैं। तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये बैलेंसिंग जो है, दोनों टाइप की पर्सनालिटी को बैलेंस करना चाहते हैं। ये चीज़ इनको बहुत ही स्ट्रेस देती है, क्योंकि अगर आप दिल से बहुत सॉफ्ट हैं, ओके, अगर आप दिल से बहुत ही पोलाइट हैं, लेकिन अगर आप शो ऐसा करते हैं कि आप में एटीट्यूड है, प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि आपको ईगो है, तो इस चीज़ से क्या होता है, आपको स्ट्रेस बहुत होता है, आपको टेंशन बहुत होती है, आप ना डीप थिंकिंग बहुत करते हैं, और तो और मैं कहूँ कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, आप राई का पहाड़ बनाते हैं सोच सोच कर। तो आपके पर्सन इस दो तरीके की लाइफ को जीने की कोशिश कर रहे हैं,
और ये दो तरीके की लाइफ जीने की कोशिश में उनको बहुत ही टेंशन है, उन्हें बहुत ही स्ट्रेस है। ओके व्यूअर्स, ये यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब उनका घमंड कब टूटेगा इस पर हम रीडिंग के कंक्लूजन में, रीडिंग एंड हो रही होगी वहाँ तक हम पहुँचेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करती चल रही हूँ। पहली बात तो व्यूअर्स यहाँ पर ये भी होगी कि आपके पर्सन गुड लुकिंग होंगे, फिजिकल ब्यूटी होगी उनकी, और अगर नहीं है फिजिकल ब्यूटी तो उनको का उनकी यू नो लुक्स पर वो ध्यान देते होंगे, जैसे कपड़े अच्छे पहनना, जूते अच्छे पहनना, बाल अच्छे से संवारना, अपनी केयर करना। आपके पर्सन मेल हैं फीमेल हैं, वो जो भी हैं अपनी केयर बहुत करते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं। तो व्यूअर्स मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है घमंड कब टूटेगा मैं, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है तो जो बताता है कि चेंज तो यहाँ आएगा उनकी पर्सनालिटी में। ओके, और वो चेंज जब आएगा व्यूअर्स, मैं सच बताऊँ अगर यहाँ पर एनर्जी ऑफ डेथ जो दिया हुआ है, जब आप यू नो उनकी लाइफ से चले जाएंगे, आपके पर्सन को जब आप फील कराएंगे कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप फेक कर रहे हैं, आपके पर्सन को पता है कि इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, ये बस एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टिंग नहीं, आपको उन्हें यकीन दिलाना होगा कि मुझे अब आपकी ज़रूरत नहीं है, समय बहुत हो गया, हम आपको भूल चुके हैं। तो आप ऐसा यकीन दिला पाए अगर उन्हें, तो उनको इस रिलेशनशिप पर वर्क करने का और ज़्यादा मन करेगा। ये रिलेशनशिप कहीं ख़त्म ना हो जाए हमेशा के लिए, इस चीज़ के लिए वो एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे। यहाँ एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए, ठीक है। तो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बता रहा है कि वो तब एफर्ट्स डालना शुरू करेंगे, और फिर आगे डेथ का कार्ड है, तब आपकी सिचुएशन में चेंजेस आएंगे। व्यूअर्स अगर कोई बैकग्राउंड साउंड है या नॉइस है, देन आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आप मेरी आवाज़ पर फोकस कर पा रहे होंगे। तो ये डेथ का कार्ड यहाँ पर कोई नेगेटिव बात नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है कि उनकी लाइफ में चेंज आएगा, वो इस तरीके की दोहरा जीवन जीना बंद करेंगे और उनकी लाइफ में चेंज आएगा, और ये एक साइकिल ख़त्म होगी उनकी, और ये एक नई साइकिल शुरू होगी जहाँ पर वो ज़्यादा हील होंगे। क्योंकि जब हम ऐसे दो टाइप की पर्सनालिटी को कैरी करके चलते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हमको ही होती है, मैंने कहा ना स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन होती है। तो अगर आपको इतना टेंशन है तो आप हील नहीं हैं, आपका जो माइंड है वो हील नहीं है, आपकी बॉडी हील नहीं है, आपकी एनर्जी हील नहीं है ओवरऑल। तो आपको ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, आपके पर्सन का ये पैटर्न व्यूअर्स सिर्फ आपके साथ ही नहीं है कि आपको एटीट्यूड शो करते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी ऐसे लोग हैं, उनके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स या कई और लोग हो सकते हैं जिनको भी वो इस तरीके का एटीट्यूड शो करते हैं, क्योंकि प्रिटेंड करते हैं, कोई उन्हें ये ना समझ ले कि मैं दिल से बहुत सॉफ्ट हूँ और मेरा कोई दिल ऐसे ऐसे तोड़ कर चला जाए, और या मेरा कोई भरोसा आसानी से तोड़ दे। तो इस वजह से वो चाहते तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन ये चीज़ उनको प्रॉब्लम ही दे रही है और उनके साथ के लोगों को भी प्रॉब्लम दे रही है। तो सिचुएशन व्यूअर्स यहाँ पर ऐसी है कि ज़रूर यहाँ पर आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा और आपके पर्सन जो हैं वो इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे, लेकिन आपको उन्हें यहाँ पर यकीन दिलाना होगा, ये देखिए यकीन दिलाना होगा कि आप जा रहे हैं, आप आपको इस रिश्ते की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपके पास जो भी समय है वही पूरा नहीं पड़ता है अपनी चीज़ें करने के लिए, तो आपके पास तो समय ही नहीं है उनके बारे में सोचने के लिए, आपको ऐसा उन्हें दिखाना है। और फेक करना ही क्यों है, आप सच में अपने कामों में बिजी हो जाइए, जो आप अचीव करना चाहते थे, जिसका आपने सपना देखा होगा, आप वो सपना पूरा कर सकते हैं। या यहाँ पर व्यूअर्स आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पहले बचपन में या टीनेज लाइफ में या कभी भी कोई अभी न्यू कोई हॉबी हो सकती है या कोई पुरानी हॉबी हो सकती है जो आपने सोचा था कि मैं ये करूँगा, मैं डांस क्लास लूँगी या लूँगा, मैं कोडिंग सीखूँगा या सीखूँगी, या मैं किताबें पढ़ूँगा इस विषय में किताबें पढ़ूँगी, या मैं कुकिंग सीखूँगा या सीखूँगी, साइकिलिंग सीखूँगी, हमेशा गाड़ी चलाने में मज़ा नहीं है, साइकिलिंग सीखनी है, या कुछ और। ओके,
कोई स्पोर्ट्स भी हो सकता है, कुछ यू नो मेकअप भी सीख सकते हैं आप, कोई आप हेयर स्टाइलिंग सीख सकते हैं, आप कुछ भी सीख सकते हैं। कितनी चीज़ें हैं अगर आपका मन है अपने आप को किसी प्रोडक्टिव चीज़ में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जैसे ही आप अपना ध्यान हटाएंगे आप अपनी एनर्जी को उनके पास से वापस खींच लेंगे। जो एनर्जी आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करते रहते हैं बिना उनसे बात करे, उस एनर्जी को जब आप वापस खींच लेंगे और कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पर्सन को उस एनर्जी के खींच जाने की एक्सपीरियंस होगा। जैसे आप अपनी एनर्जी उन पर इन्वेस्ट करते रहते हैं, हमेशा आपका ध्यान उन पर रहता है, तो उनको आपकी एनर्जी हमेशा अपने आसपास फील होती है, उन्हें लगता है आप हैं ही, आप हैं ही। लेकिन जब उन्हें ऐसा फील होने लगेगा कि आपकी एनर्जी उनके पास अब नहीं है, आपकी एनर्जी अब वहाँ से हट चुकी है, कहीं और इन्वेस्टेड है, तो उनका मन विचलित होगा और वो अपने आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, और वो एक्सप्रेस करने की कोशिश में वो इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लेंगे, आपको लाइफ में वापस पाना चाहेंगे। तो इस वजह से होगा क्या कि उनका घमंड टूट जाएगा। आखिर मतलब तो यही है ना कि उनका घमंड कब टूटेगा। ओके व्यूअर्स, एग्जैक्ट टाइमिंग तो मैं आपको टैरो रीडिंग में या कोई स्पिरिचुअल वर्क में नहीं दे सकता कि कब टूटेगा उनका घमंड, लेकिन मोमेंट ऐसा ही होगा जब आप अपनी लाइफ पर फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। और ये जो ये उनकी जो रियल पर्सनालिटी है कि वो सॉफ्ट हैं, पोलाइट हैं, अंदर से वो ऐसे ही हैं, रियल में वो ऐसे ही हैं, तो ये चीज़ आपके लिए प्लस पॉइंट होगी व्यूअर्स, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं वो अगर रियल में ही काफ़ी ईगोइस्टिक होते, रियल पर्सनालिटी उनकी इतनी ईगोइस्टिक होती तो शायद आपको प्रॉब्लम होती है, शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता कि वो चेंज हो जाएं और यू नो इतना एटीट्यूड छोड़ दें, अपना घमंड छोड़ दें, अपने प्यार को एक्सेप्ट करें और अपने घमंड को छोड़ दें। लेकिन आपके लिए प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर आसानी ये है कि वो रियल में तो हैं ही वैसे जैसा आप चाहते हैं, वो रियल में वैसे ही हैं, लेकिन वो डरते हैं। ओके, तो वो डरते हैं कि उनकी ऐसी पर्सनालिटी का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए, इसीलिए ढाल बनाने के लिए, अपने इमोशंस को छुपाने के लिए वो हमेशा अपना एटीट्यूड शो करेंगे, ईगो शो करेंगे। व्यूअर्स, कई बार यहाँ पर ऐसा भी होता होगा जैसे आप उन्हें कॉल करते होंगे, आप उन्हें मैसेज करते होंगे, तो आपको लगता है कि ये इतना लेट रिप्लाई किया इन्होंने मेरा, सुबह से शाम हो गई रिप्लाई किया, अब रिप्लाई किया, अब इन्हें मौका मिला। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपका मैसेज देखा नहीं है, वो आपके सारे मैसेजेस देख लेते हैं पहले ही, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं अभी इतना जल्दी मैसेज का रिप्लाई करूँगी या करूँगा तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं करेंगे ये, फिर मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे और मुझ में इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा इनका, या फिर इन्हें पता लग जाएगा कि मैं मेरे अंदर कितना प्यार है इनके लिए या मेरे अंदर कितने इमोशंस हैं इनके लिए, अगर मैं जल्दी मैसेज का रिप्लाई करूँगी या करूँगा तो ये समझ जाएंगे कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इनको लेकर। तो इसीलिए वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं और आपको ऐसा शो करने लगते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, आपका मैसेज आया तो मैं बिज़ी बहुत हूँ। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा भी होता होगा डोमिनेशन की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि हमेशा उन्होंने, जब भी आपने अपनी कोई इच्छा बताई होगी या कुछ बातें की होंगी, तो हमेशा उन्होंने टर्म्स रखे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस रखे होंगे, नहीं तो आपको ऑप्शन दे दिया होगा कि देख लो अगर मिलना है तो फिर इतने बजे ही मिल सकते हैं वरना फिर मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसी कंडीशन देना, या ऐसा कहना कि मैं इतनी देर के लिए ही आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, मेरे पास समय नहीं है ज़्यादा। ओके, तो अगर आप अगर ऐसे कह रहे हो कि मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है या अपने फ्रेंड्स के साथ जाना है, तो आपको कंडीशंस दे देंगे या टर्म्स बता देंगे कि ठीक है फिर जाओ फिर, लेकिन एक हफ्ते तक मेरे पास टाइम नहीं है, फिर मैं बात भी नहीं कर पाऊँगी, चैट भी नहीं कर पाऊँगा, मुझे बाहर जाना है, मैं गाँव जा रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इस टाइप की बातें करना। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस शो करते हैं आपको और ऑप्शंस दे देते हैं कि आपको क्या करना है, आप देख लीजिए, क्योंकि
वो आपको यही प्रूव करना चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते के पीछे भाग नहीं रहा हूँ या भाग नहीं रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मेरी बात नहीं भी मानेंगे, अगर आप मेरी लाइफ से चले जाते हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको हरदम ये दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ओके व्यूअर्स, चलिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं कि फिर है कैसा उनकी जो रियल साइड है, रियल पर्सनालिटी है, वो क्या फील करती है आपके लिए। मतलब वो क्या फील करते हैं रियल में, जो उनकी रियल साइड है उसमें क्या फीलिंग्स हैं। एटीट्यूड चलो आपको शो कर देते हैं वो, लेकिन रियल में क्या फील करते हैं। ओके, तो एफर्ट्स तो लेंगे व्यूअर्स, मुझे लग रहा है काफ़ी एफर्ट्स लेंगे इस रिश्ते के लिए, और चेंज भी आएगा सिचुएशन में, लेकिन आपको तब तक 9-11 होना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं, लेट्स चेक मैसेजेस लेंगे हम उनकी रियल जेन्युइन फीलिंग्स चेक करते हैं आपके लिए। यहाँ हमने 4 मैसेजेस लिए हैं व्यूवर्स। पहला मैसेज हम ये लेते हैं, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ओके, तो आपके पर्सन, ये तो गाइज उनकी इनर साइड है, ये आपके पर्सन जो हैं वो बहुत ग्रेटफुल हैं स्पिरिचुअल लेसन के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जिस तरह से आप उनकी लाइफ में आए और जिस तरह से आपने उनकी लाइफ में उनको जो जो एक्सपीरियंसेस दिए हैं, या आपके साथ उनके जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील किया है उन्होंने, एक अट्रैक्शन फील किया है, एक टेलीपैथी यानी टेलीपैथिकली एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना उन्होंने फील किया है। क्योंकि एटीट्यूड में तो हम बात नहीं करते हैं, हम टेलीपैथिकली एक दूसरे की फीलिंग्स समझ सकते हैं, एक दूसरे के प्रति जो केमिस्ट्री है, जो मैग्नेटिक पुल है, वो तो फील कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन, जो मुझे स्पिरिचुअल लेसन मिला है आपकी वजह से, उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। ओके, अब आपके लिए मैसेज देखते हैं, कुछ है यहाँ पर, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। मैंने जस्ट अभी वो बात कही कि आपकी वजह से जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, जो चीज़ उन्होंने सीखी है अपनी लाइफ में, वो आपकी वजह से सीखी है, और वो ग्रेटफुल हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अगला मैसेज भी यही आ गया, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, और इसी वजह से ये उन्हें स्पिरिचुअल लर्निंग मिली है आपके साथ, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला है आपके साथ, और अब वो आपकी वजह से एक बेटर पर्सन बनने लगे हैं। तो वो कह रहे हैं आपसे कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। तो देखिए, आपने खुद पूछा था कि इनका घमंड कब टूटेगा, और वो खुद ही बता रहे हैं कि जो जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं मुझे इस रिश्ते में या आपके साथ, वो मुझे बेटर इंसान बना रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंसेस मुझे आपके साथ हो रहे हैं, वो मुझे एक बेटर पर्सन बना रहे हैं। तो आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो घमंड वगैरह है ये जल्द ही चला जाएगा। ऐसा अगर वो शो करते हैं तो ये जल्दी ही ऐसा शो करना बंद कर देंगे, क्योंकि दे आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन बिकॉज दे आर हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद यू गाइस। मेरे थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि ये सब मैसेजेस आपको मिलें। उनकी जेन्युइन फीलिंग्स क्या हैं, रियल में क्या फील करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ। रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है एनर्जी चैनलिंग में। ओके, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो देख लीजिए आप, देखिए अगला मैसेज भी ऐसा आया है, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो अगला मैसेज भी यही बताता है साफ साफ कि उन्होंने एटीट्यूड मेंटेन किया हुआ था, अब तक आपको कुछ एक्सप्रेस नहीं किया था, और रियल साइड क्या कहती है कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, मैं आपके लिए फील क्या करता हूँ या क्या करती हूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ।
आंखें। व्यूअर्स, एक सॉन्ग चैनल्ड हो रहा है मुझे, परदेस मूवी का सॉन्ग है जो शाहरुख खान उसमें एक्ट कर रहे हैं। वो सॉन्ग है ये दिल दीवाना। और उस सॉन्ग में भी ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ वो अपनी, उनके अंदर फीलिंग्स तो होती हैं लेकिन वो किसी रीज़न के वजह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, ये दिल दीवाना, दीवाना है ये दिल, दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल। तो ये दिल फिर भी उसी को याद करता है और वो आप ही हैं व्यूअर्स। दिल कैसा बेपीर है, वो एक तस्वीर है, मैं कहता हूँ तोड़ दे, कहता है जंजीर है। तो व्यूवर्स, वो तो लाख कोशिश करते हैं कि आपके सामने एटीट्यूड ही शो करे लेकिन उनका दिल नहीं मानता ना। तो ये गाना ज़रूर सुनिएगा। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, सारे मैसेजेस वही हैं जो मैं रीडिंग पहले ही कर चुकी हूँ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो ऐसा फील करते होंगे आपके लिए, वो ऐसा सोचते हैं। देखिए, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, विच मीन्स कि वो आपके बारे में हर दम सोचते हैं, आप उनके दिमाग में चलते हमेशा हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि आपके पर्सन बहुत ही डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ही डीप थिंकिंग करते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव है, बहुत ही सोच समझ के करते हैं। जब तक उनका मन करता है कुछ एक्सप्रेस करने का तब तक तो वो सोचते हैं कि अब ना ही करो तो अच्छा है। और मैंने कहा था यहाँ हर्मिट का कार्ड है जो बताता है कि वो सोचते बहुत हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा था वो बहुत सोचते हैं। और आप यहाँ पे मैसेज देख भी पा रहे हैं कि वो किस बारे में बहुत सोचते हैं। वो कह रहे हैं आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोचने से रुक ही नहीं पाता हूँ। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन तो ऑब्वियसली है, यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप एक दूसरे के सोलमेट हों क्योंकि यहाँ स्पिरिचुअल कनेक्शन साफ साफ दिख रहा है। स्पिरिचुअल टीचिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग, आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। तो ये सब बताता है कि यहाँ पर एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, वो आपके बारे में सोचने से रुक ही नहीं पाते हैं। तो व्यूअर्स, उनका घमंड कब टूटेगा ये तो मैंने आपको बताया है, साथ ही मैंने उनके मैसेजेस भी आपको दिए हैं। आप बताइए आपसे रेजोनेट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितने परसेंट रेजोनेट हुआ है ये रीडिंग आपसे। और अगर मेरे लिए कुछ सजेशन है या कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर दीजिए, एवरीथिंग इज़ अप्रिशिएटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या आपने अंत तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व्यूअर्स, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगर लाइक करेंगे तो ये वीडियोज़ और लोगों तक पहुँच पाएंगे जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके, आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहूँगी, और रीडिंग्स के दौरान चैनल मैसेजेस, इंट्यूटिव मैसेजेस ज़रूर प्रोवाइड करती रहूँगी आपको। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी मैसेज मिस ना कर पाएं इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।